तो बड़ा महान होता है, व्यक्ति का क्या बड़ा महान होता है, व्यक्तित्व। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मैंने देखा संज्ञा कि हम लोगों ने शादी करा दी, शादी कराने बच्चे कितने हो जाते, तीन हो जाते, एक का ही नाम रखते व्यक्तिवाचक, एक का नाम रखते जातवाचक, एक का नाम क्या रख देते भाववाचक रख देते, ठीक है ना। इसके बाद देखो जिसका व्यक्तित्व बड़ा महान होता है, व्यक्तित्व बड़ा महान, जैसे मान लीजिए कोई है जिसका व्यक्तित्व बड़ा महान, वो कहेगा देखो ऐसा है मैं जब तक अपने देश के लिए कुछ नहीं करूंगा तब तक शादी करने वाले हैं नहीं। जिनका व्यक्तित्व महान होता है वो शादी से क्या रहते, वंचित रहते हैं। कुछ लोग बेचारे भावनाओं में खोए रहते हैं, किसमें भावनाओं में, जब मुझे कैटरीना कैफ मिलेंगी आलिया भट्ट मिलेंगे तभी मैं शादी करूंगा, नहीं बाकी शादी नहीं करूंगा। वो बेचारे भावनाओं में खोए रहते हैं, जब भावनाओं में खोए रहेंगे तो वो भी बेचारे शादी से क्या हो जाते, वंचित हो जाते हैं। लेकिन जो जातिवाचक है वो मेरे जैसा है, शादी करना चाहे काली हो चाहे गोरी हो शादी होनी चाहिए। तो बेचारा ये जातिवाचक है ना, ये कर लेता शादी, उसे क्या दिक्कत हो, तो देखो हमारी जैसा है शादी होनी चाहिए, गोरी हो काली हो क्या लेना देना है ना। तो जिसका व्यक्तित्व महान होता है बेचारा कैसे वंचित हो जाता, शादी से वंचित हो जाता है। यहाँ पर देखो बच्चा मैंने देखा कि भाववाचक जिसकी भावना जो रोज कहता है भैया मुझे कैटरीना कैफ आलिया भट्ट चाहिए, वो भी बेचारा क्या शादी से वंचित हो जाता है। एक जातवाचक वो हमारे जैसा कहता है चाहे काली मिले चाहे गोरी मिले शादी होनी चाहिए, उसकी हो जाती शादी। जब उसकी बच्चा शादी हो जाएगी तो सीधी से बच्चे भी होंगे, इसमें तो कोई धोखा नहीं है। तो यहाँ पर जातवाचक के ही दो बच्चे होते हैं, आप लोग जानते होंगे। एक का नाम रखा जाता है भाववाचक, सॉरी इसके दो आपके प्रकार हो जाते हैं। एक को लोग बोलते हैं द्रववाचक, सुने होंगे आप क्या होता है द्रववाचक, और एक का नाम ही रखते हैं समूहवाचक। क्या रखते हैं? समूहवाचक। तो मुझे यहां से पता चल गया कि अगर हम लोग बात करेंगे संज्ञा के विषय में तो संज्ञा की उत्पत्ति का प्रकार थे तीन, लेकिन मैंने जैसे ही देखा कि व्यक्तिवाचक जातवाचक के दो और बच्चे हो जाते हैं, कौन, द्रववाचक और समूहवाचक। इसलिए आपसे जब भी पूछा गया कि संज्ञा के परिवार में कितने लोग हैं, यानी संज्ञा के प्रकार कितने हैं, तो याद रखो दोस्तों जब भी आपसे पूछेगा संज्ञा के प्रकार कितने हैं तो मुझे जाके उत्तर वहां पर देना पांच। क्या देना? पांच, क्योंकि परिवार में पांच लोग हैं। वैसे संज्ञा के पुत्र कितने थे, तो आप याद रखो संज्ञा के पुत्र तो तीन ही थे। बोलो भाई यहां तक क्लियर हुआ? तो मैंने देखा यहां से व्यक्तिवाचक जातवाचक भाववाचक द्रववाचक और समूहवाचक, ये क्रम में आपकी संज्ञा चलती है। मुझे पता चला व्यक्तिवाचक जातवाचक भाववाचक इनकी उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद यहां पर जातवाचक के दो प्रकार और मिल गए, जिसका नाम रखा गया एक द्रववाचक और एक का प्यारे बच्चों रखा गया क्या, समूहवाचक। ये जब दो बच्चे और हो जाते हैं तो यहां पर संज्ञा के प्रकार कितने हो जाते बेटा, पांच प्रकार हो जाते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार हो जाते हैं? पांच प्रकार हो जाते हैं। अब आपके मन में चला सर ये क्रम जो आपने बताया इसका कारण क्या, मैं बताता हूं। कभी कभी क्या है कि द्रववाचक का कोई भी एग्जांपल हो, समझिएगा द्रववाचक का क्या हो, कोई भी उदाहरण हो, मान लीजिए आपको नहीं आता है, तो मैंने देखा जैसे द्रववाचक का कोई भी उदाहरण दिया है और विकल में अगर द्रववाचक नहीं है, समझ लेना बेटा, विकल में अगर द्रववाचक नहीं है तो आपका उत्तर तुरंत क्या सही होता है, जातवाचक सही हो जाता है, क्योंकि उन्हीं के बच्चे हैं भाई, पुत्र नहीं है तो पिता का हकदार है। तो जब वहां पर द्रववाचक मतलब पूछा जाएगा और द्रववाचक विकल में नहीं है तो हम लोग जाके किसे सही करेंगे, जातवाचक को सही कर देंगे। यही कहानी बेटा कहां पर चलती है, इधर चलती है समूहवाचक में। समूहवाचक बेटा क्या है, जब समूहवाचक वहां विकल्प नहीं होगा तो याद रखो हमें तुरंत जाके उत्तर क्या करना होगा, जातवाचक करना होगा, और जब जातवाचक नहीं होगा तो संज्ञा कर देंगे, है ना। तो मुझे यहां से एक बात पता चल गई, व्यक्तिवाचक जातवाचक भाववाचक ये तीन प्रकार थी उत्पत्ति के आधार पे। दो प्रकार और आ गए जिसका नाम था द्रववाचक और क्या था, समूहवाचक था। फिर ये भी पता चला अगर द्रववाचक की बात करेंगे तो द्रववाचक के जितने भी एग्जांपल होते हैं, अगर पहले तो उदाहरण में द्रववाचक ही सही करना पड़ेगा, अगर द्रववाचक नहीं है तो आपको जाके वहां पे जातवाचक सही करना पड़ेगा। जैसे हमने देखा यहां पे समूहवाचक दिया है तो पहले मुझे समूहवाचक सही करना पड़ेगा, अगर विकल्प में समूहवाचक नहीं है तो हमें लोग जाके जातवाचक करना होगा। बोलो यहां तक कहानी सभी को क्लियर हुई? बोलो भाई